बिहार की सरकार बेहतर शिक्षा को लेकर करोड़ अरब रुपए की राशि खर्च कर बड़े पैमाने पर बीपीएससी शिक्षकों की बहाली की है, लेकिन अभी भी ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की घोर कमी दिख रही है। पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन प्रखंड के बाजितपुर मनियारपुर गांव में एक ऐसा अनोखा स्कूल है जिसका न तो अपना कोई भवन है, न ही कोई पठन पाठन की व्यवस्था है, बल्कि स्कूली बच्चे सड़क के किनारे खटाल के बीच गंदगी के बीच पढ़ने को मजबूर है। बीएससी से बाहर शिक्षक भी सरकार से स्कूल के भवन बनाने की गुहार लगा रहे हैं। सरकार ने हर स्कूल में बेहतर स्कूल भवन बेंच डेस्क की व्यवस्था की है, लेकिन मनियारपुर नव सृजित विद्यालय आंगनबाड़ी के कृपा पात्र से एक भवन में संचालित हो रहा है। वहीं छात्रों को जगह के अभाव में बच्चे सड़क के किनारे पढ़ रहे हैं। शिक्षक सचिन कुमार, रामजी कुमार, कुंदन कुमार और छात्र राहुल कुमार ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि बाहर सड़क के किनारे पढ़ाने के दौरान कई बार जहरीले सांप और बिच्छू निकल आए हैं और किस तरह हम सभी की जान बची है। वहीं सड़क के किनारे बच्चों को पढ़ाने के कारण हमारी जान भी जोखिम में पड़ी है, इसलिए सरकार को पहल कर स्कूल के भवन बनाने चाहिए। कई बार अधिकारी से गुहार लगाने के बावजूद कोई पहल नहीं हो सकी है और हम सब ने उम्मीद छोड़ दी है और भगवान भरोसे पढ़ाई करवा रहे हैं। वहीं छात्रों को भी सड़क के किनारे पढ़ने में डर लग रहा है। व्यवस्था नहीं दिख रहा, एक ही भवन है, वो भी आंगनबाड़ी केंद्र का भवन है। कैसे हो रहा है? अब जैसे भी हो एडजस्ट करना पड़ रहा है और जो हम लोग शिक्षा देना चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है। एक क्लास में पांच क्लास को, एक ही रूम में पांच क्लास कैसे संचालित हो सकते हैं जी? कहाँ कहाँ लिखा गया है, अधिकारी के पास लिखा गया है? इसके रिगार्डिंग बहुत सारे अधिकारी आए भी, निरीक्षण भी किए, गए भी, निरीक्षण करते हैं, किस बेस पर करते हैं पता नहीं चलता है। निरीक्षण कर रहे हैं तो उनको ये चीज़ दिख रही होगी ना कि यहाँ पर भवन भी नहीं है, अपना खुद का जमीन भी नहीं है। जब जमीन नहीं, भवन नहीं है तो बच्चे एक से पाँचवीं वर्ग तक बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? फिर पढ़ रहे हैं, आते भी हैं, देखते भी चले जाते हैं जी। क्या नाम है? तो समाधान भी नहीं निकल पाता है। इसके रिगार्डिंग जो है हमारे प्रखंड शिक्षा अधिकारी उनको कही गई है, दिखाई भी गई है, कोई एक्शन नहीं किया है। अब एक्शन किस ले गई पता नहीं चलता है हम लोगों को। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रामजी कुमार। बीपीएससी नहीं सर, नियोजित है। कितने टीचर? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ कुंदन कुमार। कितना दिक्कत होता है सर? दिक्कत तो ऐसी होती है कि बता नहीं सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि एक ही रूम में क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री, क्लास फोर, क्लास फाइव सारे बच्चे एक ही साथ हैं। सरकार दिन रात ये कोशिश कर रही है कि हम लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें, लेकिन एक ही क्लास में इतने सारे बच्चों का जमावड़ा होने के कारण हम लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा कभी कभी होता है कि बच्चे ज़्यादा होते हैं, आप बाहर देख सकते हैं कि बच्चे ज़्यादा होने पे हम लोग को बाहर पीपल के पेड़ के नीचे पढ़ाना पड़ता है। वहाँ गाड़ियाँ काफ़ी स्पीड से आती है जाती है, बच्चों के जान का खतरा भी रहता है, हम लोग के भी जान का खतरा रहता है। कितना बार ऐसा हुआ है कि बाइक से आके हमारे में लड़ गई है, कभी बच्चों के साथ लड़ जाती है, बच्चों का सर फट जाता है, पेड़ के नीचे खतरनाक जानवर निकलते रहते हैं, सांप बिच्छू हमेशा वहाँ निकलते रहते हैं। कई बार हम लोगों ने बच्चों को बहुत मतलब बेहद कठिन तरीके से बच्चों को बचाया है सांप के काटने से। मिड डे मील की जहाँ तक आप देख रहे हैं बरामदा में बन रहा है और रोड पर बच्चे खाते हैं, कुछ रोड ट्रैक्टर आ रहा है, गाड़ी आ रहा है, इसलिए बच्चे ढूल फाँक रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मतलब बदतर व्यवस्था है सर यहाँ से। हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि जिस तरीके से सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए संघर्ष कर रही है वैसे ही यहाँ पर भवन की व्यवस्था की जाए ताकि हम लोग इस तरीके से उनके कार्य के लिए खड़े हो।